मैसेज के लिए दिन रात इंतजार करते थे, खूब सारा कॉल करते थे, मुझे टाइम देते थे, और अब देखो कैसे बदल गए हो। ना ठीक से बात करते हो और ना मुझे टाइम देते हो। हर विवाहित जोड़ों में से एक ये शिकायत जरूर होती है, ज्यादातर महिलाओं को अपने मेल पार्टनर से, जहां वो महिला बात बात पर अपने पति पर ये इल्जाम लगाती है कि अब तुम बदल गए हो, पहले तो ऐसे नहीं थे, अब क्या हो गया। और ऐसा ही कुछ सीन इन दिनों रबुपुरा गांव में बसे पाकिस्तानी सीमा और उनके हस्बैंड सचिन मीणा के बीच देखने को मिल रहा है, जहां दोनों इन्हीं सभी बातों में उलझे नजर आ रहे हैं। जी हां, सीमा जब पाकिस्तान में थी और जब सीमा और सचिन के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, तब सीमा के एक कॉल और मैसेज के लिए सचिन दिन रात इंतजार करते थे। सचिन को डर रहता कि अगर किसी वक्त सीमा सचिन को मैसेज या कॉल करती तो उनसे वो जरा सा भी मिस ना हो जाए। वो तुरंत फोन उठाकर सीमा का रिप्लाई करते थे। सीमा का भी रवैया कुछ ऐसा ही होता था। दिन पर दिन दोनों के बीच प्यार और भरोसा इतना बढ़ता चला गया कि दोनों ने एक दिन नेपाल में मिलने का मन बना लिया। उन दिनों सीमा और सचिन लगातार 4-5 दिनों तक सोते नहीं थे, दोनों को नींद भी नहीं आती थी, बस दोनों के बीच एक बेचैनी और मिलने की बेसब्री होती थी। और फिर आखिरकार जाकर दोनों की नेपाल में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए साथ रहने का वादा किया और दुनिया की परवाह किए बिना एक वो दिन था जब दोनों छुप छुपा कर मिला करते थे, और अब एक आज का दिन है जहां दोनों एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, और सचिन सीमा की लव स्टोरी में ये साफ साफ देखा जा सकता है। खैर, अब सीमा भारत आ गई है। सीमा के भारत आने पर खूब बवाल भी कटा। कभी सीमा सचिन के घर पुलिस होती तो कभी मीडिया का जमावड़ा या फिर आस पड़ोस वालों की घेराबंदी। सचिन मीडिया के सामने सीमा के लिए अपने प्यार का इजहार करते तो सीमा शर्मा जाती। काफी दिनों तक यही चलता रहा जो सबने देखा, लेकिन अब दोनों के रिश्तों में खटास पैदा हो गई है। ये खटास इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी सीमा गुस्से में घर से बाहर चले जाती और फिर गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद घर वापस आती। सीमा को लगता है कि सचिन मीणा बदल गया है। सचिन के रहन सहन के साथ साथ उसके हाव भाव भी बदल गए हैं। सचिन के दिन पर दिन बदलते नेचर की वजह से सीमा परेशान होने लगी है। सीमा इन दिनों इसी ख्याल में रहती है कि आखिर सचिन को ऐसा क्या हो गया। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि कैसे अपनी सीमा के लिए सचिन दिन रात एक कर देते थे, सीमा के कहने पर ही सचिन खाना खाते और अपने दोस्तों के साथ तभी घूमने जाते जब सीमा परमिशन देती। सीमा का सचिन पर पूरा कंट्रोल रहता, लेकिन अब सचिन सीमा को बिना बताए ही सब कुछ करते हैं। सीमा को लगता है कि अब सचिन को सीमा की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसलिए सचिन सीमा को बिल्कुल टाइम भी नहीं देते हैं, जिसकी शिकायत सीमा हर रोज सचिन से करती है। सीमा सचिन से कहती है कि एक वक्त था जब तुम्हें मेरे अलावा कुछ नहीं दिखता था, लेकिन अब देखो तुम्हें मुझे छोड़कर हर कोई दिखता है। डेली डेली ये सुनकर सचिन का भी दिमाग अब फटने लगा है और वो रिप्लाई में सीमा से बस यही कहता कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, लेकिन अब बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। तुम ऐसा मत सोचा करो कि आपके पास दोनों की लव स्टोरी और इस परेशानी का कोई सलूशन है, तो हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा।